नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मच गया। इन धब्बों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा पुराने नहीं है। अतीक के पूरे दफ्तर में जगह जगह खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, यहां पर एक खून से सना चाकू और एक सफेद रंग का दुपट्टा मिला है, जिस पर सभी खून के धब्बे लगे हुए हैं। इन हालातों को देखकर इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि किसी इस दफ्तर में कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके दफ्तर के अंदर इस तरह की खून के धब्बे मिलना और पूरा दफ्तर अस्त व्यस्त होना बेहद चौंकाने वाला मामला है। खून के ये धब्बे ग्राउंड फ्लोर से होकर ऊपर की ओर तक दिखाई देते हैं, जबकि खून से सना चाकू नीचे ही पड़ा हुआ है। खून के निशान ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सीढ़ियों पर भी जगह जगह दिखाई देते हैं। ऊपर कमरे में सोफे पर एक सफेद रंग का दुपट्टा रखा हुआ है, जिस पर खून के निशान लगे हुए हैं। एक जगह टूटी हुई चूड़ियां भी मिली हैं। इस खबर की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और दफ्तर में पहुंची और मौके से सबूत इकट्ठा कर इस पर जांच कर रही है। पुलिस अतीक के दफ्तर की तलाशी ले रही है। बता दें कि अतीक के दफ्तर में खून से सना चाकू मिला है। खून से सना चाकू और सफेद रंग का दुपट्टा भी मिला है। दफ्तर में खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मच चुका है। पुलिस अतीक के दफ्तर में लगातार तलाशी कर रही है। अतीक के दफ्तर में खून से सना चाकू, सफेद रंग का दुपट्टा जो खून से रंगा हुआ था, उसे देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है और तमाम तरीके के सवाल अब उस पर खड़े होने लगे हैं। बता दें कि पुलिस अतीक के दफ्तर की लगातार तलाशी ले रही है, जिसके बाद अतीक के दफ्तर में खून से सना चाकू मिला और इसी के साथ सफेद रंग का दुपट्टा भी मिला। बता दें कि लगातार तलाशी जारी है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता इरफान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अतीक के दफ्तर पर ये खून से सना हुआ चाकू और एक सफेद दुपट्टा मिला है, इसको लेकर क्या कुछ आशंका अभी तक जताई जा रही है? जी निश्चित, बिल्कुल बता दें कि माफिया अतीक अहमद के ऑफिस में आखिर खून से सना कपड़ा और चाकू मिलने से प्रयागराज के चकिया इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित ऑफिस में कई जगह खून के धब्बे मिले हैं, साथ ही खून से सना चाकू और खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। ऑफिस की दीवारों पर खून के इतने धब्बे देखकर पुलिस चौंक गई है और आपको ये भी बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये खून के धब्बे और खून से सना चाकू, खून से सने कपड़े किसके हैं, अतीक के ऑफिस में फिर किसकी हत्या हुई है। जानकारी के अनुसार खून से सना कपड़ा दुपट्टा है, वही दुपट्टे के पास खून से सनी चूड़ियां भी मिली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी जानकारी आपको ये भी बता दें, जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि देर रात या तो किसी पर चाकू से हमला किया गया था, फिर या फिर किसी के यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। अतीक के ऑफिस की सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं, सीढ़ी की रैलिंग पर खून है, सीढ़ियों के पास से खून रिस रिस कर नीचे जमीन पर टपका हुआ है। खून की बूंदों से साफ है कि ये खून ऊपर से टपका है। पहले तल पर रास्ते में ही एक छोटा चाकू भी मिला है। कमरे की अलमारी के कपड़े फैले हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने अलमारी खोल कर कपड़े भी निकाले हैं और कुछ फाइल ले जाया गया है। सारी फाइलें जमीन पर फैली हुई है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी और ये सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि खून के जो धब्बे हैं वो अभी हाल फिलहाल के हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं है, इसके बाद क्या कुछ आशंका जताई जा रही है कि ये शाइस्ता का खून हो सकता है? पुलिस क्या उससे खून की जांच में क्या शाइस्ता का कुछ उसमें लेना देना दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि अतीक अहमद के तकिया स्थित ऑफिस में पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस टीम को यहाँ की दीवारी पर खून के डब्बे मिले हैं, साथ ही खून से सनी चूड़ियां भी मिली हैं। कमरे में रखे दुपट्टे भी खून के छींटे पड़े हैं। अतीक के ऑफिस से तलाशी चल रही है। पुलिस ने कहा है कि जो है SFL की टीम जब इसका खुलासा करेगी तब जाके कुछ हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात निश्चय आपको ये बता दें कि शाइस्ता परवीन की जो है वो जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर प्रयागराज के जितने भी प्रशासन के जो जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो मुस्तैद किए गए हैं। हालांकि जो SFL की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है, जांच के बाद कुछ कहना मुनासिब होगा। जी निशी, अभी हाल फिलहाल शाइस्ता का एक वीडियो सामने आया था जिसमें शाइस्ता एक शादी समारोह में दिखाई दी थी। अब इसके बाद ये खून के निशान मिलना, वो भी अतीक के दफ्तर में, जो पूरे माहौल को एकदम
ऐसा बना देते हैं जिसके बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं इरफान। तो इसके बाद अब क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि शाइस्ता भी अब लगातार बता दे अगवा बताई जा रही है, मिल नहीं रही है वो पुलिस को, तो क्या ये पुलिस का कनेक्शन इसमें कुछ देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, 2 महीने के दिन हो गए हैं उमेश पाल हत्याकांड में साहिता आरोपी हैं। इसके बाद आरोप तय होने के बाद साहिता जो है वो लगातार फरार चल रही हैं। उनके ऊपर पहले 25,000 का इनाम रखा गया, फिर 50,000 का, और उस इनाम राशि को बढ़ाकर अब 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि साहिता की जो है पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन जो ये हत्या हुई है या फिर जो ये खून के निशान मिले हैं, आखिर ये आतंका जता रहे हैं लोग, क्योंकि चूड़ियां भी मौके पर मिली है, तो एक अंदेशा लोग लगा रहे हैं कि आतंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं साहिता परवीन की हत्या नहीं हो गई है। इसको लेकर पुलिस लगातार जांच करी, डागेश्वर की टीम का काम कर रही है, LIU की टीम काम कर रही है, इस पर लगातार जो है कुछ ही पलों में ये तय हो जाएगा कि आखिर ये खून के धब्बे हैं किसके। जो लोकल इंटेलिजेंस की जो टीम है वो आ चुकी है, डॉक्टरों का पूरा पैनल आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन जितने भी ऑफिसर हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हालांकि कैमरे को अभी लॉक कर दिया गया है और सिर्फ अधिकारी हैं, जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। तो हालांकि सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, वहां से जितने खून के सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं, और ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये शाइस्ता परवीन की जो है हत्या से संबंधित कुछ बातें हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं, जैसे लोग अंदेशा लगा रहे हैं, लोग आशंका जता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन 2 महीने से गायब है, आखिर उनका लोकेशन पुलिस नहीं निकाल पा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इस अतीक के बिल्डिंग में, अतीक जो ये पुराना जो है कमरा था उसमें जो है ब्लड के मिलने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि साहिता परवीन की हत्या हो सकती है। जी अंशी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से अभी तक अगवा बताई जा रही है शाइस्ता, तो इसके बाद अब इससे कोई कनेक्शन पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इरफान, हमारे साथ जुड़ने के लिए।